फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर टाइम। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम आज डिवेलप करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ये दोनों जो टाइप्स हैं क्वांटिटीज़ की, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को हम जो है एक दूसरे से अलग करके कभी नहीं समझ सकते, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके हमने इनको लेना होगा। फर्स्ट हम देखते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इस वीडियो में हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हम पढ़ेंगे। अच्छा, बेस ऐसा है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको टू क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, और उनमें जो फर्स्ट क्लास है उसको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। बेस का मतलब आप समझते हैं बेसिक, मेन, बुनियादी। अब बेसिक और बुनियाद, ये बुनियाद जो है यहाँ पर, इसको एक नेचुरली नहीं बनाया गया, इसको खुद कन्वेंशनली एक रवायत के तौर के ऊपर इस बात को लिया हुआ है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, इनको डिफाइन किया हुआ है, और इन क्वांटिटीज़ को एक बेस समझा गया है, एक बुनियाद समझा गया है। फिर इनकी बुनियाद की, इनकी बेस के ऊपर हम जब दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हम बोलेंगे, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं, अब आपने ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि ये क्वांटिटीज़, इनको चूज़ किया है कन्वेंशनली, एक रिवायत, एक रिवाज के तौर पर इसको साइंटिस्ट ने कन्वेंशनली इसको चूज़ किया गया है, और SI सिस्टम के अंदर सिर्फ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखा गया है। हम इसको अभी एग्जांपल्स में हम देखेंगे। फर्स्ट हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि क्वांटिटीज़ दैट आर चूजन कन्वेंशनली एंड डिफाइंड, ऐसी क्वांटिटीज जिनको कन्वेंशनली चूज़ किया गया है, खुद चूज़ किया गया है और उनको डिफाइन किया गया है, रेदर देन being derived from other physical quantities, मतलब कि इनको दूसरी physical quantities से derive नहीं किया, बजाय उनको उससे डिराइव करने के क्या किया है, इनको चूज़ कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, कन्वेंशनल इनको सिलेक्ट कर लिया है। इस किस्म की क्वान्टिटीज़ को हम क्या कहते हैं? बेस क्वान्टिटीज़ कहते हैं। उसके बाद बात आ जाती है बेस यूनिट्स की। बेस यूनिट्स क्या होंगे? इट्स सो सिंपल कि बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम बेस यूनिट कहेंगे। यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड बेस यूनिट। क्लियर? अब हम चलते हैं, हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि जो कन्वेंशनली जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं, बेस क्वांटिटीज ली हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो कितनी हैं, उनके नेम क्या है, उनके यूनिट्स क्या है, उनके सिम्बल्स क्या है, ये बात हम आज अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो टेबल बनाया है, इस तरफ मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं, फिर उनके यूनिट्स लिखें और यूनिट्स के सिंबल लिखें, क्योंकि फिजिक्स में हम सिंबल हम ज़्यादा मोस्टली यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, हम पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। फर्स्ट, अब हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज हैं, ये टोटली कितनी क्वांटिटीज हैं? 7, और इनको SI सिस्टम के अंदर इनको चूज़ किया गया है, और ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है, ये अभी नई नई बात है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास पहली जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो मैस है, दूसरी लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अब मैस का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और इनके सिंबल्स इस तरह हैं, किलोग्राम को केजी से, मीटर को स्मॉल एम से, सेकंड को एस से, और एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को के से, और मोल को ई, यहाँ से काट के सिर्फ MOL से, और कैंडेला को हम शो करते हैं CD से। क्लियर? ये कुछ बातें थी बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट के हवाले से। देन एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको किसी अदर क्वांटिटी से डिफाइन नहीं किया जाता, डिराइव नहीं किया जाता, बल्कि दीज आर द बेसिक, दीज आर चूजन कन्वेंशनली एंड डिफाइंड।
rather than being derived from the other physical quantities. And these are fixed in number. These are just only 7 quantities. Okay, next video mein milte hain. Tab tak ke liye Allah.